सबको हनुमान चालीसा बांट रहा है कि तुम लोग अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए, विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए, अलौकिक शक्ति को हनुमान जी के माध्यम से, बजरंगबली के माध्यम से अपने पास, उस शक्ति को हमेशा आत्मसात करते रहो। बोलकर पढ़ना है, मन से पढ़ना है, और चिंतन मनन करते हुए वैज्ञानिक सोच लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि मानव को इस युग में, वैज्ञानिक युग में अध्यात्म को साथ में लेके चलना पड़ता है, प्रकृति की रक्षा करना पड़ता है, तभी हम लोग मानव जीवन स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सभी छात्रों को हर्ष हनुमान चालीसा दे रहा है, और यह हनुमान चालीसा महावीर मंदिर पटना से हम लाए थे खरीद, हमको भी दे दो एक हनुमान चालीसा, ताकि हमारे पास भी रहेगा, है ना, हम भी पैकेट में रखेंगे। ज्ञान की पुस्तकें कहीं से भी मिले उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए, और उसमें जो लिखी हुई सच्ची और अच्छी बातें हैं उसी को आत्मसात करना चाहिए। हमारे बीच पंकज बिहारी सर हैं, ये छात्रों को दो शब्द कहेंगे। हर्षराज के जन्मदिन के अवसर पर मैं आज हर्ष के जन्मदिवस के अवसर पर सभी छात्रों को बधाई देता हूं, और मैं हर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हर्ष कुमार आगे चलकर अपने फैमिली के जो अरमान है उसको पूरा करने में सफल हो सकेगा। पढ़ने में भी बहुत ही अच्छा लड़का है, दूसरी बात है कि ये आदर्श लड़का है और अनुशासन के नियमों का पालन करता है, तो मैं इसको यह सलाह देता हूँ कि तुम मन तन मन धन से अध्ययन करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि संघर्ष से ही सफलता मिलती है, और ये लड़का अनुशासित है, अनुशासन प्रिय है, और साथ में इसका एक भाई भी छात्रावास में रहता है। इसका घर तो आलमनगर मधेपुरा है ना? आलमनगर मधेपुरा, बहुत अच्छा है, वहाँ का बहुत बच्चा इस SKP विद्या विहार राजपुर प्लस टू आवासीय विद्यालय से बहुत अच्छा अच्छा करके गया है, और आशा करते हैं कि हर्षराज भी बहुत अच्छा करके जाएगा, विद्यालय का नाम रोशन करेगा, अपने घर के माता पिता गांव समाज का नाम रोशन करेगा, बिहार के साथ पूरे देश का नाम रोशन करेगा, विश्व में परचम लहराएगा, बस ईमानदारी, वफादारी, मेहनत, कर्तव्य और परोपकारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबके कल्याण के लिए ध्यान में रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाना होगा। किसी भी परिस्थिति में अपने मन को डगमग नहीं कर सकते हैं, कोई भी तुमको कोई लोभ देगा उस लोभ में नहीं फंसना है, कोई भी तुमको कुछ दे रहा है उसमें भी तुमको डगमगाना नहीं है। होता है ना कभी कभी तुमको जो है सो कह देगा, ऐ आओ ना हम तुमको ये दे देते हैं, ये काम कर दो, ये कर दो, ये खा लो, पी लो, तुमको पता होना चाहिए हम चाय तक नहीं पीते हैं, चाय भी नहीं पीना है किसी छात्र को आजीवन। तो उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए अब कार्यक्रम का समापन हमारे पंकज प्रकाश बिहारी सर के तरफ से हो गया, और तुम लोग खूब मन से पढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, धन्यवाद।